लेदर ट्रेड इंजीनियरिंग के अंतर्गत टेरी मशीनरी में आज हम फ्लैशिंग मशीन पर चर्चा करेंगे। फ्लैशिंग मशीन टैनरी में फ्लैशिंग के काम आती है। इस फ्लैशिंग मशीन की सहायता से हम फ्लैश को रिमूव कर सकते हैं। फ्लैशिंग मशीन के साथ साथ जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ हम लोग फ्लैशिंग नाइफ का भी यूज करते हैं। फ्लैशिंग नाइफ का आकार कर्व टाइप का रहता है। दोनों तरफ इसमें लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। और ये पोर्शन शार्प होता है और एक फ्लैशिंग बीम होता है लकड़ी का। इस टाइप का इसका चित्र होता है फ्लैशिंग बीम का। फ्लैशिंग बीम के ऊपर रखकर हेड स्किन को इसके ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर हेड स्किन को रखते हैं। हेड स्किन को इस तरह रखते हैं कि इसकी ग्रेन साइड नीचे की तरफ तथा फ्लैश साइड ऊपर की तरफ रहती है। अब दोनों हाथों से इन हैंडलों को पकड़ के इससे नीचे रब करते हैं तो इसकी फ्लैश रिमूव हो जाती है। इसमें काफ़ी समय लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इस मशीन का आविष्कार किया गया। और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ इसका भी यूज करते हैं, लेकिन फ्लैशिंग मशीन से थोड़ी इसकी कंपैरिजन में थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं इस तरह से। तो फ्लैशिंग मशीन के बारे में हम चर्चा करते हैं। फ्लैशिंग मशीन का चित्र मैं नीचे दिखा रहा हूँ। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ये फ्लैशिंग मशीन है। क्या है ये? फ्लैशिंग मशीन। इस फ्लैशिंग मशीन में मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ इसके जो भी पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स है, नंबर वन पे ये लिखा है। नंबर वन पर जो पार्ट्स होता है इसका, उसको कहते हैं हम रबर कोटेड सपोर्टिंग रोल। रबर कोटेड सपोर्टिंग रोल्स, ये वाला। सेकंड पार्ट होता है इसका ग्रुप्ड फीड रोल। ग्रुप्ड फीड रोल ये वाला पोर्शन है, इसमें ग्रुप बना रहता है जिससे कि लेदर को आगे की तरफ खींचा जा सके। नंबर थ्री है इसमें हाइड स्किन। देखो ये दिखाया जा रहा है, ये जो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है अपना, इसको कहते हैं हम हाइड स्किन। हाइड ऑब्लिक स्किन। चौथा क्या है? चौथा है अपना न्यूमेटिक रबर ट्यूब। न्यूमेटिक रबर ट्यूब ये दिखाया गया, इसको कहते हैं न्यूमेटिक रबर ट्यूब।
ये इसके सपोर्ट करती है, जिससे कि उसमें जो गैप है उसको कम किया जा सके, जिससे कि फ्लैशिंग आसानी से हो सके। इसके बाद है नंबर फाइव, इसमें है फ्लैशिंग नाइफ सिलेंडर। ये फ्लैशिंग नाइफ सिलेंडर है, इसमें नाइफ टाइप की बनी रहती है जिससे कि फ्लैशिंग होती है। लेदर जैसे ही जाता है तो फ्लैश, नीचे जो दिखाया गया है डॉट डॉट डॉट, ये फ्लैश गिर रहा है रिमूव होके, उसको दर्शाया गया है। और नंबर सिक्स है ग्राइंडिंग स्टोन। ये सिक्स नंबर पर ग्राइंडिंग स्टोन, जब नाइफ अपनी मोथरी हो जाती हैं, इनकी शार्पनेस कम होती जाती है, ब्लेंड हो जाती हैं, तो इनको हम शार्प करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको कहते हैं ग्राइंडिंग स्टोन। इन सभी पार्ट्स को इसी मशीन में नीचे एक एक करके लिखे हुए हैं, इनको मैं देखो दिखा रहा हूँ। रबर कोटेड सपोर्टिंग रोल, सेकंड ग्रूव्ड फीड रोल, हार्ड स्किन, न्यूमेटिक रबर ट्यूब, फ्लैशिंग नाइफ सिलेंडर, ग्राइंडिंग स्टोन। इस प्रकार से इसमें मेन सिक्स पार्ट्स हैं, और ये अपनी मशीन है जिसका नाम है फ्लैशिंग मशीन। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, ये मशीन नंबर्स, ऑपरेटिंग विड्थ इन एमएम, कितना ऑपरेटिंग विड्थ कितनी होती है इसकी, 1800 to 2700 mm। कैपेसिटी पर हाइट कितनी होती है, कैपेसिटी पर हाइट्स 80 height to 150 height। ऑपरेशन रिक्वायर्ड, दो व्यक्ति काम कर सकते हैं इस पर। ओवरऑल मेन डायमेंशन क्या होती हैं, LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वेथ नेट वेथ एंड ग्रॉस वेट, पैकिंग डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक मोटर 28 kWh, 28 kW का होता है मोटर लगा होता है। और फिर डिफरेंट जो कंपनी है वो अपने अपने हिसाब से इसको डिजाइन करती रहती है, लेकिन ये मेन फीचर्स हैं जो इसमें होते हैं। और फ्लैशिंग मशीन सबकी समझ में आई होगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट मशीन नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे।